गूगल एनालिटिक्स में साइट कैसे सबमिट करें। तो एक्चुअली होता क्या है कि तुम्हें पता होगा कि अगर आप गूगल यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि हमेशा जो है गूगल नया नया अपडेट लाते रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो पुराना इंटरफेस लोग यूज़ करते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाने के बाद जो है लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो ऐसा ही एक चेंजेस आया है कि गूगल एनालिटिक्स में साइट सबमिट कैसे की जाए, तो इसी के ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाया है। स्मॉल सा चेंजेस है पर बहुत लोगों को वो ऑप्शन मिल नहीं रहा, पर जो वो ऑप्शन कहाँ पर है मैं तुम्हें बताऊँगा। थोड़ा सा चेंजेस हो चुके हैं गूगल एनालिटिक्स में, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आ चुके हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जो है तुम्हें सिंपली पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना पड़ेगा। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको आप जो है ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको जो है मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको जो है साइट ओपन कर लेनी है। ओके, कंप्लीट ट्यूटोरियल दूँगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूँगा। तो आप जो है पूरा का पूरा देखिए। तो यहाँ पे मैंने गूगल एड्स टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स जो है यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे ये जो तुम्हें वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे देखो वन अकाउंट ऑल ऑफ गूगल, ये जो वेबसाइट दिख रही है इसको ध्यान से देखिएगा, इसे ही ओपन करना है, दूसरे किसी को ओपन नहीं करना है। चाहे तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको जो है तुम्हें ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद ये तुम्हें जो है रिडायरेक्टली डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स में लेके जाएगा। आप अगर नए हो तो आपको जो है साइनअप करना पड़ेगा, और अगर आप पुराने हो तो आपको साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है। साइनअप बोल रहा हूँ मैं, साइन इन करने की ज़रूरत हो। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, तो मुझे साइन इन करने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम साइड में देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो है एडमिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो है तुम्हें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एक दिख रहा है क्रिएट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो दिख रहा है क्रिएट अकाउंट। तो अगर आप नए हो तो क्रिएट अकाउंट कर लेना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट इस पेज पे आ चुके हो तो इसका मतलब आप पुराने ही हो। तो यहाँ पे जो है क्रिएट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम नेम, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डालना है। जो भी आपके ब्लॉक का नाम हो आप यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर आप खुद का नाम डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपका नाम है वही डालना है, जो आपका ब्लॉग का नाम है वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं मेरे ब्लॉग का नाम डाल दूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंडस्ट्री कैटेगरी। इंडस्ट्री कैटेगरी मीन्स आपका ब्लॉग किसके ऊपर बना हुआ है, आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी के ऊपर है। तो आप अपनी कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, इसमें से अगर आपकी नहीं होगी तो लास्ट में अदर का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरी हेल्थ से है तो मैं हेल्थ सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे हेल्थ देख लेता हूँ, हाँ तो यहाँ पे हेल्थ है, तो यहाँ पे हेल्थ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा। अगर आपकी कैटेगरी इसमें नहीं हो तो आप जो है अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। तुम यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है बिजनेस साइज, तो ये ऑप्शन अभी आ चुका है। पहले जो ये था ये नहीं था, अभी जो है ये बिज़नेस का ऑप्शन आ चुका है। तो तुम्हें अभी जो है पहला वाला ऑप्शन स्मॉल 1 to 10 एम्प्लॉय, इसको ही सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हो हाउ डू यू इंटरनेट टू यूज़ गूगल एनालिटिक्स विथ आवर बिजनेस एंड चेक ऑल द अप्लाई। तो इस पे इसमें से तुम्हें दो ही ऑप्शन ये टिक करने हैं, बाकी के तुम्हें टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिजनेस करते होगे तो आपको बाकी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ साइज़ का खाली एनालिटिक्स ही चेक करना है, तो आपको दो ही जो है टिक कर सकते हो। अगर आपको बाद में पूरे ऑप्शन चाहिए हो तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। आपको अगर बाद में चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। तो अभी जो है मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे हम। यहाँ पे जो है तुम्हें क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्चुअली क्या है कि
जो जो बिज़नेस करता है उसको थोड़ा सा और डाटा चाहिए होता है, तो इसके वजह से यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ चुके हैं। पहले ही जो था ये ऑप्शन नहीं थे, तो अभी जो है गूगल ने थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, थोड़े से ऑप्शंस जो है बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अपडेट आ चुका है। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोड लेगा ये, थोड़ा सा वेट कीजिएगा और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस मैं बताऊँगा। अब तुम्हें पता होगा कि गूगल जो है हमेशा नए नए अपडेट लाते रहता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुका है कुछ लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे ढेर सारे प्लेटफॉर्म दे दिए गए हैं। तो आपका अगर ऐप हो तो ऐप को सेलेक्ट कीजिए, अगर आपकी वेबसाइट हो तो वेबसाइट को सेलेक्ट कीजिए, वेबसाइट हो ब्लॉग हो इसको ही सेलेक्ट करना है, वेब को ही। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है तुम्हें URL का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो है तुम्हें URL देना है, और यहाँ पे जो है स्ट्रीम नेम तो आपके ब्लॉग का नाम दे देना है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है हमारे ब्लॉग का URL जो है कॉपी कर लेते हैं इसको, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मेरा जो है HTTPS है, आप अपना देख लीजिए कि क्या है आपका HTTPS है या HTTP। यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपका हो HTTPS हो तो HTTPS सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो HTTP सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे स्ट्रीम नेम में मैंने बताया था आपको जो है ब्लॉग का नाम डाल देना है, तो मेरा ब्लॉग है, मैं मेरा नाम डाल दूंगा। और इसके बाद इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं तुम्हें। यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसे का ऐसा रहने देना है इसको, और यहाँ पे जो क्रिएट स्ट्रीम ऑप्शन है इसके ऊपर जो है तुम्हें क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपली जो है तुम्हें कोड नहीं डालने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, इसको ग्लोबल साइट टैग, इसके ऊपर जो है तुम्हें क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ही तुम्हें कोड मिलेगा। पहले जो था ये ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर इसको सिंपली जो है आपको कॉपी कर लेना है, और बाद में आप सब लोगों को पता ही होगा आपकी जो भी वेबसाइट है उसको हेड के नीचे जो है आपको इस कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे पेस्ट करना है, हेड के नीचे ही पेस्ट करना है। तो वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। और ये जो है मेरा डेमो ब्लॉग है, तो इसको ऊपर मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है इस पर ब्लॉगर पे हेड के नीचे पेस्ट कर दूंगा। अगर वर्डप्रेस पे हो तो वर्डप्रेस पे भी बता देता मैं, पर वर्डप्रेस पे जो है मैंने ऑलरेडी उसका साइट जो है गूगल एनालिटिक्स पे डाल दिया है। ये मेरा डेमो ब्लॉग है, इस पे मैं डेमो देता हूँ, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर अभी जो है आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ऐसा ही हेड के नीचे जो है तुम्हें पेस्ट करना है। तो पेस्ट कर देने के बाद आपको पता होगा सिंपली जो है तुम्हें सेव कर देना है। तो सेव कर देने के बाद हम पोस्ट पे आ जाएंगे। पोस्ट पे आने के बाद जो है हम गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद अभी जो है हम होम पे चले जाएंगे। ये सब हो चुका है, अभी तुम्हें बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है होम पे आ जाएंगे, तो अभी जो है सिंपली जो है हमारी साइट सबमिट हो चुकी है। तो हो जाने के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारी जो साइट है यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो सब साइट तो सबमिट हो चुकी है, तो अभी है यहाँ पर होम का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर हम जो है अभी क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके सामने जो है गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। तो यहाँ रियल टाइम में जाएंगे हम, तो रियल टाइम में जो है आपकी जो अभी जितने भी यूज़र्स हो वो सब दिखाई देगा। तो अगर आपको ओपन करते ही तुरंत नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, गूगल एनालिटिक्स थोड़ा सा टाइम लेता है आपकी साइट को पूरा का पूरा जान लेने के लिए, क्योंकि तुरंत के तुरंत ही अपडेट नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, अभी दिखेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे रियल टाइम जो यूज़र्स है वो दिख जाए। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है तुम्हें सारा एनालिटिक्स जो है दिखाई देगा। अगर आपको एनालिटिक्स कैसा चेक करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी जो है मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा, ताकि आपको गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या देखना होता है, क्या कुछ करना होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा पता चले। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम, आइए तो अभी देख सकते हो तुम, यहाँ पर जो है रियल टाइम यूज़र वन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी साइट यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो तुम ऐसे ही जो है गूगल एनालिटिक्स में अपनी साइट सबमिट कर दीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।